लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे जल्दी करो, जल्दी सामान रखो। अरे देखो जरा, संभाल कर रखो। आशा बेटी, सब सामान तो याद से रख लिया है ना? जी पिताजी। बेटा विकास, सफर देखभाल कर करना। जी आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी दवाई टाइम पर लेना और फिक्र मत करना। तुम मेरी फिक्र मत करो, काजल है ना मेरे साथ। तुम मेरे दामाद का ख्याल रखना। चीचा जी, हनीमून पर जाके साली को भूल मत जाइएगा, और वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कीजिए। अरे मैं अपनी साली को कैसे भूल सकता हूँ, जरूर करूँगा। अच्छा, दीदी को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। ठीक है, तुम भी चलो साथ। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। काफी है, देखिए आपके सामने मारती है, पार्टी बनाने क्या करेगी। चलो बाय। अच्छा दीदी, बाय बाय, गुड बाय। आइए, बाय बाय। जीना भी कोई जीना है, जब तक तेरा साथ नहीं। साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। जब तक तेरा साथ नहीं। साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। हो जो करे संग करे, संग जिए संग मरे। हो जीना भी कोई जीना है, जब तक तेरा साथ नहीं। साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। विकास,
क्या हो? हाँ? पता नहीं आशा, पता नहीं अरे? मुझे क्या हो रहा है आशा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आशा, पता नहीं मुझे कंबल क्या हुआ? कंबल 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 क्या कंबल? अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, जब देखो शरारत। मोहब्बत में अगर शरारत ना हो तो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। जीने भरा रात भर जाते रहे और सुबह होकर फिर शुरू। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, जिंदगी का नाम मोहब्बत। मैं तो सुबह सुबह कोई काम नहीं है जो फोन कर रहे हो? हाँ मैं विकास बोल रहा हूँ। हेलो विकास, मैं आनंद बोल रहा हूँ। अरे आनंद, अरे पहले क्यों नहीं बोला कि तू है? कहाँ से बोल रहा है? अरे बॉम्बे से बोल रहा हूँ भाई। साले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाभी दिखाए बगैर शादी नहीं करूंगा, बस कर लेना शादी। बस 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 यार, अरे नाराज मत हो। दरअसल बात ये थी कि आशा को शादी की बहुत जल्दी थी। वो क्या था कि उसके पूजनीय पिताजी चाहते थे कि शादी फौरन हो जाए, इसलिए हो गई। अपनी भाभी से बात कर। मैं नहीं। अरे मैं अपने नहीं। दूसरे आनंद आनंद बात करो। क्या करूं? हेलो करूं? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं भाभी, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि विकास ने आपको पसंद किया है। अरे आपके प्यार में तो हमारा दोस्त हमें भूल ही गया है। नहीं ऐसी बात नहीं, आपको बहुत याद करते हैं। अरे अरे साले अब तो जल्दी आ जा। हाँ साथ में नाश्ता करते हैं। यार तेरे को मिलने को जी तो बहुत चाह रहा है, पर क्या करूं आज 12 बजे की फ्लाइट से मैं हांगकांग जा रहा हूँ। और तू एक काम करना, तू मुझे 6:30 से एयरपोर्ट पे मिल। ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। मोहब्बत। Your attention please, passengers leaving for Bombay, kindly proceed to gate number 4. Thank you. Bombay flight announce कर दो। बेबी जी गजब हो गया। क्या हुआ? जिस प्लेन से विकास बाबू सफर कर रहे थे वो प्लेन क्रैश। Thank you.
कहिए क्या काम है? धनराज सेठ से कहो कि अजीत रॉय मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं अभी आया। आओ आओ अजीत राय, खूब आए खूब आए। आओ बैठो बैठो बैठो। अगर तुम्हारे सेठ धर्मदास ने मिल बेचने का इरादा कर ही लिया है। लो मुंह मीठा करो। ये मुमकिन नहीं है सेठ जी। क्यों क्यों मुमकिन नहीं भाई? इसलिए कि मिल का मालिक विकास है। विकास की मौत के बाद तो धर्मदास ही मिल का मालिक है। वैसे पहले भी धर्मदास ही मिल का मालिक था। वो तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी के बाद उसने मिल को सिर्फ अपने दामाद के नाम कर दिया था। तुम ये मिल नहीं खरीद सकते। अरे तुम क्यों अपने दिल छोटा करते हो अजीत भाई? जब मैं मिल का मालिक बनूंगा ना तो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। शेर जी के जितने भी नौकर है ना वो सब के सब मेरे ही चमचे बनेंगे। लो पांचा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग अशोक। मिल के वर्कर्स की पेमेंट हो गई जी। सर जी सेठ धनराज मिलने आए। धनराज उसे ले आओ। आप कमाल कर रहे हैं तुलसी जी। श्याम साहब का तो ड्राफ्ट कब का चुका है। He's a very honest person. Okay, bye. Good morning, sir. Good morning. Sir, अपनी मिल बेचने के सिलसिले में वकील साहब आए थे और ये कागजात दे गए। Good morning, sir. Good morning. Sir, ये कल के टाइप किए हुए लेटर्स। Please sit down. Thank you. आइए सेठ जी। नमस्कार नमस्कार सेठ जी नमस्कार। आइए आइए धनराज जी, तशरीफ रखिए। पहले ये भगवान का प्रसाद दीजिए। सेठ जी, काम धंधा तो चलता ही रहता है धर्मदास जी, पैसा बहुत बुरी चीज है। धनराज जी, मुझे अफसोस है, मैं मिल नहीं बेचूं। क्या मिल नहीं बेचेंगे आप? लेकिन सेठ जी, मेरी और आपकी बात हो चुकी है। सेठ जी ने तो अपने वकील से सारे कागजात भी तैयार करवाए थे, लेकिन फिर इनका इरादा बदल गया। क्यों क्यों सेठ जी? ये मिल मेरे मरहूम दामाद की आखिरी निशानी, इसे मैं नहीं बेचूंगा। हाँ धनराज जी, विकास बाबू इस मिल को बड़े प्यार मोहब्बत से चलाया करते थे। सेठ जी भला इस मिल को कैसे बेच सकते हैं? लेकिन सेठ जी, मैंने तो बाजार से 50 लाख रुपया सूद पर ले लिया है। धनराज जी, मैंने आपको मना किया था कि जब तक सौदा पक्का न हो जाए आप मार्केट से पैसा न उठाएं। सेठ जी ने यह सोचा है धनराज जी कि वो इस मिल को पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर दें, ताकि इस मिल की आमदनी से गरीब मजदूरों के बच्चे ऊंची तालीम पा सके और इस तरह सेठ जी अपने मरहूम दामाद विकास जी की आत्मा को शांति दे सके। बहुत ही ख्याल है आपका, बहुत ही ख्याल है। भगवान करे आपका साया हमेशा के लिए गरीबों के सरों पर कायम रहे। अच्छा सेठ जी, नमस्कार नमस्कार। आओ आओ मिल मालिक, हो गया सौदा, लो पान खाओ। नाम, तू अपने दोस्त को अभी तक नहीं भूला? मैं काश में से फोन न करता, ना ये मुझसे मिलने आता, ना इसकी मौत होती। इसमें तेरा क्या दोष है? किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है? तू मुंबई जा रहा है, विकास के ससुराल भी वहीं है, उसकी औरत से जरूर मिलना। देखूंगा माँ। अच्छा माँ, मैं चलूं? अच्छा। Thank you.
बेटी, आंसुओं से लिखी हुई तकदीर को हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। मैं जानता हूं बेटी, जवान पति की मौत औरत की मांग में लगा हुआ एक ऐसा घाव है जिसे दुनिया की कोई दवा नहीं भर सकती। बेटी, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे। मैंने भी यही चाहा था, लेकिन चाची, बेटी मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं कहां दुखी हूं डैडी, जब आपका साया मेरे सर पर है और फिर छोटी बहन का प्यार भी तो साथ है, और मुझे क्या चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूं डैडी। तू कितनी खुश है ये तो मैं ही जानता हूं। आप फिर मेरे बारे में सोचने लगे, डॉक्टर ने मना किया है सोचने के लिए, अगर इसी तरह सोचते रहे तो बीमारी और बढ़ जाएगी, समझे? नेम साहब, नाश्ता तैयार है। चलिए नाश्ता कर लीजिए, चलिए। चलता हूँ, पहले अपनी बहन को तो जगाओ, आजकल वो बहुत सोने लग गई। जैसे जैसे इम्तिहान पास में आ रहे हैं नींद बढ़ती जा रही है। काजल, चलो उठो उठो, दुनिया जाग रही तो सो रही है, उठो उठो। सोने भी नहीं देते, तंग करते हैं। ऐसे नहीं उठेंगे, ठहरो, पानी डाल दी, उठो। क्या देख रही? जो देख रही थी उस पर तो तुमने पानी डाल दिया, बेचारा भीग गया होगा। क्या सपने की बात कर रही हो? हाँ दीदी, और मैंने देखा कि हम सब नैनीताल गए हैं और मैं वहाँ के झील में कश्ती चला रही हूँ, जूम जूम जप जप, जूम जूम जप जप, और दीदी मेरे सामने एक सुंदर सा हैंडसम 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 लड़का खड़ा हुआ है और गा रहा है, चौधरी का चांदो या पताबो। लेकिन दीदी तुमने मेरे सपने पर पानी फेंक कर गरम गरम सपने को ठंडा कर दिया। नाश्ता ठंडा हो गया तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, चलो। आती हूँ बाबा, आती हूँ। भाई 20 लाख में ये जमीन बहुत महंगी, मैं 15 लाख दे सकता हूँ। हाँ हाँ जयगोपाल जी, मैं जानता हूँ होटल बन जाने के बाद ये रकम 1 साल में निकल आएगी। अच्छा तो 18 लाख में फैसला कीजिए, मैं कल ही नैनीताल के लिए रवाना हो जाऊंगा। गुड बाय। नैनीताल? ओ नैनीताल, यू आर टेरिफिक, यू आर ग्रेट, ओ पापा, ओ डैडी, ओ पिताजी, यू स्वीटी डार्लिंग। क्या हुआ? मैंने अभी भी सपने में देखा ना कि हम सब नैनीताल जा रहे हैं। ओ डैडी, वी मस्ट गो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा मैं बाद में जाऊंगी, पहले नाश्ता कर लो, चलो आओ। अच्छा तो पापा हम कब जा रहे हैं? तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन के लिए, पढ़ाई लिखाई का तो ख्याल नहीं, नैनीताल जाने के लिए फौरन तैयार। ओ पापा, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ जाते हो, दीदी कौन है इनसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नाश्ता नहीं करोगे? आज सुबह जल्दी कर लिया था सर। सर आप नैनीताल जा रहे हैं? हाँ अंकल, देखिए ना कितनी अजीब बात है, सपना मैं देख रही थी और नैनीताल जा रहे हैं डैडी। आप लोग यहाँ इस वक्त? बुरा वक्त कहकर नहीं आता धरमदास, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, यूं अचानक ट्रेन में इस तरह? अंकल, धनराज ने सोचा वो मिल का सौदा जो अधूरा रह गया है
उसे पूरा करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? मैं आप लोगों का मतलब नहीं समझा। समझ कर करोगे भी क्या धरमदास, अब तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, शिमिन वगैरह के छोटे मोटे काम अब तुम हम लोगों के जिम्मे छोड़ दो, और फिर इन लोगों से ज्यादा बढ़कर तुम्हारे वफादार और कौन हो सकते हैं कागजात लो, इन कागजात पर तुम दस्तखत कर दो। ये वही कागजात है जो तुमने अपने वकील से अपने कहने से बनवाए थे, और जानते हो गवाहों में दस्तखत किसके हैं? तुम्हारे वफादार मैनेजर अशोक गुप्ता और तुम्हारे सेक्रेटरी मनमोहन सक्सेना के। नमक हराम जलील कुत्ते, तुम्हारी ये जुर्रत के तुम मुझसे यहाँ आकर जबरदस्ती दस्तखत कराने जाते हो? धनराज, मैं दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज हरगिज नहीं, हरगिज। मैंने मिल तो तुम्हारे नाम कर दी, अब और क्या चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी। धरमदास, अगर तुम जिंदा रहे तो इन कागजात की कोई कीमत नहीं। मैं तुम्हें मिल के अलावा अपनी दौलत जायदाद जो कुछ तुम चाहो लिख कर दे सकता हूँ। ज्यादा लालच नहीं करते हम, भगवान ने जो दिया है उसी में खुश है। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, धनराज मेरी बच्चियों को यतीम न बनाओ। जी 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 जी, कितने नीच और गिरे हुए ख्याल था तुम्हारे, हा? ये तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारे मरने के बाद वो यतीम हो जाएंगे? धरमदास, आपकी दोनों बेटियों का ख्याल तो हम रखेंगे। हाँ अंकल, आप बेफिक्र होकर मरिए। तुम समझते क्यों नहीं धरमदास, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। हाँ, दोस्त होने के नाते हम इतनी कोशिश जरूर करेंगे तुम्हें कम से कम तकलीफ पहुंचे। लोग जानते हैं कि आपको नींद में चलने की आदत है, पुलिस यही समझेगी कि आप चलती हुई ट्रेन से उतर गए। लेकिन आप उतरेंगे नहीं, हम आपको उतारेंगे। लेकिन धनराज सेठ, अभी इसकी कोई सांसें बाकी नहीं है। इसकी सांसें तो अब कब्र की अमानत हो चुकी है, और अमानत में खयानत नहीं करते हम, बेईमानी बहुत बुरी चीज है। आप ईमानदारी से इसे दफन कर ही दो धनराज सेठ। मेरी बात मानो, कहते हैं किसी जिंदा इंसान को अगर दफन कर दिया जाए तो उसकी आत्मा उसकी रूह अपनी मौत का बदला अपने कातिलों से लेती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती धनराज सेठ। इस लौंडिया का काम है खाली जाम भरना, बिस्तर और जेवर से मोहब्बत करने वाली जवानी को इस कब्र की मिट्टी के पास कहां ले आए? अगर ये दौलत में हमारी हिस्सेदार है तो हमारे निकामों में भी इसे हमारी हिस्सेदार रहना पड़ेगा। चलो जल्दी से दफनाओ, चलो जल्दी करो।
सर धर्मदास को हमसे बिछोड़ा। आज पूरे 3 महीने हो गए, देखते ही देखते घर बर्बाद हो गया। पहले इस घर का दामाद, अब इस घर का मालिक चला गया। तुम्हारे डैडी ने मेरे लिए कितने कुछ किया, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता कि तुम दोनों की आंखों में आंसू न आने दो। अंकल, हे भगवान, इस बच्ची के होठों से तुम मुस्कुराहट छीन ली तुमने। फिर धर्मदास के मर जाने के बाद तुम्हारा तो उलिया ही बदल गया है अजीत भाई। हाँ, और सेठ धर्मदास के अचानक गाड़ी से गायब हो जाने से तुम्हारी गाड़ी खूब चल निकली है। आखिरकार विकास की मिल अपने नाम ट्रांसफर करा ही ली। हाँ बिल्कुल, मैंने मिल कानूनी तौर पर ली है और अग्रीमेंट पर सेठ धर्मदास के दस्तखत की है। और दस्तखत करने के बाद सेठ धर्मदास गायब हो गए। अरे भाई, लेकिन अग्रीमेंट पर तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो गायब नहीं हो सकते। शायद तुमने भी कभी मिल का मालिक बनने के साथ देखे होंगे। मुकद्दर की बात है, कोई मालिक बन जाता है, कोई नाप है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती धनराज सेठ, सेठ नौकर हो जाता है और नौकर सेठ। तुम और तुम्हारी तीनों चमची मेरी नजर में है, वक्त का इंतजार करो। I'm sorry अंकल, मुझे देर हो गई। ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अजीत राय कहते हैं, इंस्पेक्टर आनंद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। Thank you.
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, चलिए आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। कहिए क्या बात। धनराज जी, मैं एग्रीमेंट देखना चाहूंगा जो आपने सेठ धर्मदास के साथ किया था। जी जी हाँ, आपके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद धर्मदास जी अचानक गायब हो गए। इस सिलसिले में वो कागजात देखने बहुत जरूरी है। ये बात है तो जरूर देखिए। सक्सेना जरा बैग तो ला। ये तो फोटो कॉपी है, मैं ओरिजिनल एग्रीमेंट देखना चाहता हूँ। ये भी देख लीजिए। थैंक यू। धनराज जी, जी ये फोटो कॉपी मैं ले जाता हूं। जी थैंक यू। फोटो स्टेट कॉपी क्यों ले गया? जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ होने से पहले मेरा हिस्सा मुझे दे दो धनराज। धर्मदास की मौत से पहले तुमने हमसे यही वादा किया था। मैंने कौन सा इनकार किया है, लेकिन हिस्सा सबको बारी बारी दूंगा। मनमोहन सक्सेना, पहला हिस्सा तुम्हारा। कल तुम्हें मिल जाएगा। पैसा बहुत बुरी चीज है। I am your desire. She's got it, baby. She's got it. Ah, la 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 la. Rosie darling, kitna time le rahi ho? Jaldi se bahar aao. Apne Saxena ko na tarsao. Rosie, Rosie. रोजी माय डार्लिंग, माय चिकन चाउ चाउ, माय तंदूरी का रोटी। रोजी ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? शादी? किसकी शादी? तुम्हारी, मुझसे। अरे डार्लिंग, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो मिल जाने दो। कल मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी कहलाऊंगा।
लोग मुझे मनमोहन सक्सेना के नाम से नहीं मनमोहन पैसे वाले के नाम से पहचानेगी। हाँ ये बात है। हाँ। तो लाइट जल्दी बुझा दे जाने में। तो रोजी लाइट बंद कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आवाज़ें कैसी आ रही हैं? अरे ये लाइट भी नहीं चल रही है। मुझे तो डर लग रहा है। मैनेजर को फोन करो। हेलो हेलो मैनेजर। क्या हुआ? ये फोन भी काम नहीं कर रहा। लगता लाइट डेड है। तुम डरो नहीं, मैं इसे मैनेजर को मिल के आता हूँ। नहीं बस गिर आया। हाँ या बस गिर आया। दिल कैसे रुक गई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बाहर निकालो। सबके बाहर लिए? जी हाँ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
ये रोजी है सक्सेना के साथ थी। साहेब एक चीज और मिली है, आधा जला हुआ सिगार। मिस्टर सक्सेना हमारे होटल में अक्सर आया करते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें सिगार पीते हुए नहीं देखा। यस इंस्पेक्टर, सक्सेना कभी सिगार नहीं पीते थे। कल सुबह मुझे पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। आप कैसी हैं वो? घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट आई है, लेकिन इस वक्त वो थोड़ी सी घबराई हुई है। अगर आप कुछ ना पूछे तो बेहतर होगा। कैन आई सी हर? यस श्योर, मोस्ट वेलकम, कम। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन डॉक्टर। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। आ? ये है इंस्पेक्टर आनंद जो आपको यहां लेके आए। कहां रहती हैं आप? धर्मदास बंगलो, शालीमार पार्क, पच्ची, वर्सोवा रोड। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस वक्त ये क्या हो गया? इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब ये ठीक है। आपका पर्स। आपको मैंने बहुत तकलीफ दी, आई एम सॉरी। दैट्स ऑल राइट। आइए आइए ना, आप किसी को डॉक्टर के पास ले गए थे? जी। थैंक यू सो मच। आइए ना अंदर बैठिए। नहीं अब मैं चलूंगा, मुझे देर हो रही है। ओ हेलो इंस्पेक्टर, आप यहाँ? दीदी को जरा एक्सीडेंट में चोट लग गई थी, आनंद साहब उन्हें घर छोड़ने आए थे। उन्हें रात को सफर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंकल आप घर आकर वापस कहाँ चले गए थे? सक्सेना की लाश देखने। लाश? इंस्पेक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, ये कत्ल है या हादसा? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मिस रॉय लगता है आपको सिगार पीने का बहुत शौक है। देखा इंस्पेक्टर, आखिर आपने मेरे सिगार को नजर लगाई दी। गुड नाइट। पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी नहीं होती है, पता नहीं ये लोग कब किस केस में लपेट दें। अंकल आपको इंस्पेक्टर आनंद के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं काजल, ये लोग कानून का सर ऊंचा करने के लिए दोस्त का सर कुचल दिया करते हैं। धनराज बहुत बुरी खबर है, मनमोहन सक्सेना मर गया। क्या? मर गया? कैसे? होटल स्वीट होम में 18 माले से लिफ्ट गिर पड़ी और पैसा बहुत बुरी चीज है। यह हादसा नहीं कत्ल है, खून है। यह खून किसने किया है मैं जानता हूं। कौन है वो? अजीत रॉय। नहीं, मैं जानती हूं कातिल कौन है। धर्मदास। धर्मदास मर चुका है और मरे वो लोग वापस नहीं आते। आते हैं, उनकी रूह वापस आती है। मैंने कहा था ना, जिंदा इंसान को दफन मत करो।
उसकी रूह एक दिन हम सबको मार डालेगी। क्या बकवास कर रही हो बेवकूफ? मैं सच कह रही हूँ। महीने के जिस दिन, जिस तारीख को, जिस रात को सक्सेना मरा है, उसी दिन, उसी तारीख, उसी रात को हमने सिर्फ धर्मदास को मारा था। अमावस की रात। खामोश। हेलो, कौन? मुबारक हो धनराज सेठ, सक्सेना को बड़ी चालाकी से अल्लाह को प्यारा कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं? बोले बोले सक्सेना को नहीं मारा? नहीं नहीं, तुमने कहा? वो तो कमबख्त लिफ्ट टूट गई सक्सेना के बोझ से, है ना? रिपोर्ट से तो ये पता चलता है कि सक्सेना की मौत नशे की हालत में करने से हुई। यस सर, सभी लोगों का यही ख्याल है। पर ये सिगार उसके यहाँ मिला और वो सिगार पीता नहीं। हाउ सरप्राइजिंग। और सर, ये इतने बड़े पैरों के निशान कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक ये निशान गमबूट के हैं। सर, मेरी अक्ल ये कहती है कि मरने वाला मरहूम खुद ये गमबूट पहनकर छत पर टहल रहा होगा, ऊपर से नीचे गिर गया और मर गया। और मरने के बाद गमबूट कहां गए? सर सर, दुखी राम की अकल आपको एक बात बताना भूल गई। क्या? सर, कल रात एक्सीडेंट वाली लड़की से आज आपको मिलना। अरे हाँ, याद आया। दुखी राम जी, गाड़ी निकालिए। यस सर। आप? आशा जी हैं? हाँ जी, आइए ना, कम इन। दीदी, दीदी, आनंद साहब आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी, बैठी ना। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पूछिए। कल रात आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? और वो भी गलत रास्ते पर, ऐसी क्या बात थी? मैं डर गई थी। डर गई थी? किससे? कल रात पुणे से बंबई लौटते वक्त सब भी हाईवे पर पहुंची। तो क्या हुआ हाईवे पर? मैंने भयानक शक्ल का साया देखा, वो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा था। मैं डर गई थी। जब वो मेरे करीब पड़ा तब मेरा पैर कार के एक्सीलेटर पर था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। क्या आप वो जगह मुझे दिखा सकती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो जगह है जहां मैंने वो भयानक साया देखा। सर, सर, ये वही गमबूट के निशान है जो हमें सक्सेना की लाश के पास मिले थे। सर, मेरी अकल ये कहती है कि कातिल एक नहीं दो हैं, एक सिगार पीता है, दूसरा गमबूट पहनता है। शट अप। कोई निशान नहीं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कोई निशान नहीं। और एक बहुत अहम बात है कि दोनों जगह पर एक ही तरह के गमबूट के निशान पाए गए हैं, और आशा जी के बयान के मुताबिक वक्त भी तकरीबन एक ही था। आनंद। यस सर। मैंने कत्ल की कुछ पुरानी फाइलें निकलवा कर रखी हैं, जो सबूत न होने की वजह से बंद कर दी गई थी। उनको स्टडी करो, शायद तुम्हें मदद मिल जाए। अब इस फाइल में क्या मिलेगा? अब तक मरने वाला तो क्या मारने वाला भी मर चुका होगा। मरने दो। साफ साफ। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। धर्मदास के केस में एक बात और करने के काबिल है, वो कभी कभी रात को नींद में चलता था, और शायद इसी हालत में वो चलती हुई ट्रेन से दरिया में गिर गए और उनकी लाश भी ना मिल सकी, और इसलिए केस बंद कर दिया गया। पर सावंत, ये भी तो हो सकता है कि धर्मदास की बीमारी का फायदा उठाकर किसी ने उसका खून कर दिया हो।
साहिब, मेरी अकल ये कहती है कि धर्मदास जी किसी स्टेशन पर उतरकर प्लेटफॉर्म पर लेट गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ दुखीराम जी कि वो पिछले 3 सालों से वहीं लेटे हुए हैं। सॉरी सर। सर आज माजी आने वाली है ना? हाँ, 2 बजे उन्हें स्टेशन पर लेने जाना है। अरे दुखीराम सर, तुम शाम का खाना होटल से ले आना। सर मेरे होते हुए आप राम भरोसे होटल में खाना खाएंगे? आपका पेट खराब हो जाएगा। खाना मैं पकाऊंगा। मेरी अक्ल ये कहती है कि मेरा खाना खाने के बाद आप मेरी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वेरी टेस्टी, शुद्ध घी का। मां, ये दुखीराम बोलता बहुत है मगर आदमी बहुत अच्छा है और मेरा तो बहुत ही ख्याल रखता है। और पता है जिसने खाना भी अपने हाथों से बनाया है। अच्छा? आओ। क्या बात है, बड़े कांटे छुरियां लगाया उसने आज। अरे दुखीराम, अरे खाना लाओ भाई, बड़ी जबरदस्त भूख लगी आज। ले आया सर। क्या बनाया दुखीराम? मुर्गी। अच्छा, क्या बात है। ये क्या? इडियट। अब गुस्सा करने से क्या फायदा, उस बेचारे को पकाना आता ही नहीं। माँ जी, आपका बेटा हमेशा मुझे डांटता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। दुखीराम जी साहब। सुनिए। यस सर। मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। वो 4 बजे आएंगे। सर 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 सर। क्या हुआ? वो आपकी हेलो काजल। अरे आप? आप यहाँ कैसे? अंकल ने कहा था कोर्ट से लौटते वक्त वो मुझे घर ले जाएंगे, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। दुखीराम, तुम सुखीराम के साथ जीप में के घर आ जाओ। हाँ चलिए। लीजिए ना। थैंक यू। आशा जी कहाँ गई हैं? दीदी सरा काम से वकील के पास गई हैं। ओ। ओ, दीदी आ गई। नमस्ते आशा जी। नमस्ते दीदी, ये मुझे छोड़ने आए थे। अच्छी बात है, आप लोग बैठिए। दीदी मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं काजल, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा। तुम यहाँ इनके साथ चाय से शौक करवा रही हो और मैं वहाँ उल्लू की तरह खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई एम सॉरी अंकल। इंस्पेक्टर साहेब, वो सक्सेना के कातिल का कुछ पता चला या नहीं? मिस्टर रॉय, लगता है पुलिस से ज्यादा सक्सेना के कातिल की फिक्र आपको है। मालूम होता है कि कातिल बहुत चालाक है। हर बेवकूफ आदमी अपने आप को बहुत चालाक समझता है। कुछ भी कहिए साहब, कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। शायद आपको मालूम नहीं मिस्टर रॉय, सबूत छोड़ा नहीं जाता, ढूंढा जाता है। लो पिया, अभी तक नाराज हो मेरी जान? नाराज नहीं तो क्या, खुश हो? सब माल हड़प करके बैठे हो, मेरा हिस्सा कब दोगे? हिस्से की बात करती हो, अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। यही बात तुमने मनमोहन सक्सेना से भी कही थी। पैसा बहुत बुरी चीज है मेरी जान। धनराज सेठ। सीता डरे। अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया। नहीं धनराज सेठ,
रीटा अब और बेवकूफ नहीं बनेगी। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, जा, जाने की तैयारी करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। मैडम कुछ चाहिए? नहीं, तुम घर जाओ। मैं रीटा बोल रही हूँ। वो आ गया है, वो आ गया है इंस्पेक्टर। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। हेलो 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 रीटा, हेलो सावन, उतर नहीं। सावंत,
रीटा खतरे में है, मन सोचो। अजीतनगर में पता नहीं, जब मैं सोने के लिए जा रही थी तब तक तो नहीं आए थे। हो सकता बाद में आया हो। हाँ, हो सकता है, घर के पिछले दरवाजे की चाबी तो उन्हीं के पास रहती है, कभी कभी ज्यादा देर हो जाती है तो उसी दरवाजे से आया करते हैं। मगर तुम क्यों इतने परेशान हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत परेशान नजर आते हो। अरे हाँ, सुना है रीटा भी आजकल बहुत तकलीफ में है। अच्छा काजल, मैं चलता हूँ। ओके। कभी हमसे मिलने भी आ जाया करो इंस्पेक्टर। अजीत रॉय, मैं तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें लेने आऊंगा। मेरी अकल ये कहती है कि पहले कातिल ने रीता को मारकर बर्फ में जमा दिया और फिर ये पैरों के निशान छोड़ता हुआ उस तरफ गया है। यही कातिल का घर मालूम होता है। और नहीं तो क्या तुम्हारा घर है? हथकड़ी दिखाओ। हे भगवान, हे
मालूम होता है कातिल सो रहा है। उसे मत जगा वरना वो हम दोनों को सुला देगा। मैं उसे नींद में ही गिरफ्तार करूंगा। तुम खिड़की में से कूद कर अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। मैं नहीं मैं बस दिल इस तरह डरोगे सारी जिंदगी हवलदार ही रहोगे। चलो ठीक है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, इन जैसे बन जाओ, नाचो गाओ भाग जाओ भाग जाओ। लड़की है लड़की जैसी हो चलेगी, पैसे वाली हो या करकी। लड़की है लड़की जैसी हो चलेगी, पैसे वाली हो या करकी। अच्छी लगे उसको पता, आज के दिन तू चक्कर चला। जो अच्छी लगे उसको पता, आज के दिन तू चक्कर चला। लड़की है लड़की जैसी हो चलेगी, पैसे वाली हो या करकी। का मेरा नजर क्यों अकेला, दिल ने पुकारा मैं हूँ तुम्हारा। जो अच्छी लगे उसको फंसा, आज के दिन तो चक्कर चला। जो अच्छी लगे उसको फंसा, आज के दिन तो चक्कर चला। ला 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 ला। लड़की है लड़की जैसी हो चलेगी, पैसे वाली हो या करकी। क्यों मुझको न रोका, क्यों मुझको न सोता, एक आया रे झोंका ये धोखा। किसी तरह तू जान बचा, मुझको यहाँ से जल्दी भगा। किसी तरह तू जान बचा, मुझको यहाँ से जल्दी भगा। जैसे गधे के सिर से सींगे भाग के जा रहे हो। क्या मुर्गी कहाँ कैसे किसे मारो से? इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। धनराज सेठ तुमने उसका खून किया है। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उसे नहीं मारा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कातिल तुम हो, कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हो। धनराज सेठ अपना फांसी का फंदा दूसरों गले में मत डालो। मैं खूब जानता हूं कि तुमने अपने पार्टनर्स का खून किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं सच है। अजीत रॉय तुमने ही मनमोहन सक्सेना को लिफ्ट से कुचल दिया था, तुमने ही रीटा को बर्फ में जमा दिया है। अपने तीसरे पार्टनर के बारे में क्या सोचा है, उसे कैसे मारोगे? जब सब के सब खत्म हो जाएं और तुम अकेले मिलके मालिक रह जाओ, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा एक सौदा लेकर। आखिरी सौदा। हाँ?
जाओ अपना हिस्सा ले लो। बड़ी तैयारी हो रही है, कहाँ जा रही हो? वो दीदी नीलम है ना, नहीं सुनिया है ना, आज इसका बर्थडे है। उसका बर्थडे तो परसों हो गया। परसों? मैं भूल गई थी यार, आया सोनिया नहीं सुजी का बर्थडे है। सुजी तो लंदन गई है। ये सहेलियां भी पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं, कुछ बताकर भी नहीं जाती। अरे मैं दीदी आज किसी ना किसी का बर्थडे तो है ही। हाँ मैं बताती हूँ तुम कहाँ जा रही हो। कहाँ? आनंद से मिलने। क्यों है ना यही बात? जब तुम जानती हो तो फिर पूछती क्यों हूँ? आनंद अच्छा लड़का है, मैं उसकी माँ से बात करूंगी। तो आज ही रात को कब्र से वो सबूत ले आओ। तो बस खेल खत्म, तुम्हारी छुट्टी। मेरा मतलब है कि तुम्हें मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, उसके बाद उस औरत से तुम जिंदगी भर ऐश करो, आराम करो। ठीक है, ये काम आज रात को हो जाएगा। माँ जी, आशा जी और काजल जी आई हैं। अच्छा हाँ। ये आशा जी हैं, ये काजल। नमस्ते। बड़ी प्यारी बच्ची है, आनंद अक्सर इसका जिक्र किया करता है। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई, मैं तो तुम्हारे पास आने ही वाली थी। माँ जी मैं भी आओ बैठो। अरे कहाँ कहाँ ले जा रहे मुझे? चुप। आउच, ओ प्लीज प्लीज प्लीज, देखो 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 कोई देख लेगा, प्लीज प्लीज छोड़ो ना प्लीज। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शादी की तारीख जो मुनासिब समझे मुझे बता दीजिए, मुझे मंजूर है। अच्छा बेटी मैं जल्दी ही पंडित जी से शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। ये विकास है, आनंद के बचपन का दोस्त, अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटी क्या तुम उसे जानती हो? ये मेरे पति थे। आनंद विकास आशा का पति था। क्या? हाँ बेटा। सावंत जी कुछ पता चला? सर यहाँ तो पुराने कब्रों के सिवा कुछ नहीं है। 3 साल पहले 17 जनवरी की रात को जब धर्मदास देहरादून एक्सप्रेस से सफर कर रहा था तो पालगढ़ स्टेशन के पास किसी ने जंजीर खींच के ट्रेन को रुकवा दिया था। सर एक शराबी ने पुलिस को बताया था कि जंजीर खींचने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जो कि उतर के भाग गई। सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रेन रुके और लाश गायब हो जाए, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लाश यहीं कहीं दबी हुई है। सर मेरी अक्ल ये कहती है कि वो लोग लाश को बोरी में बांधकर लॉरी में डालकर और फिर बैलगाड़ी पे लाद कर इस रास्ते से लाए होंगे और लाश को यहां दफना दिया होगा। Shut up, idiot. आज बड़ा मजा आया पर मैं बहुत थक गई। पहाड़ी पर चढ़ने का शौक भी तो आप ही को था। नो, कमाल है, एक तो मैं आपको इतनी खूबसूरत जगह घुमाने ले गई, ऊपर से आप तो वेटा, दो थम्स अप। काजल
आज तक तुमने अपने डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। आज से 3 साल पहले डैडी किसी काम से नैनीताल जा रहे थे, तभी मैंने उन्हें आखिरी बार देखा। काश डैडी नैनीताल कभी नहीं जाते। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। ओ, अब क्या होगा? होगा क्या, पेट्रोल लाना पड़ेगा और क्या होगा। आनंद, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं काजल, मैं सीधे रास्ते जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं शॉर्टकट से जाऊंगा और नीचे नीचे पानी पर चलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर लगता है कि बारिश भी आने वाली है। तुम बैठो, मैं गया और आया। अरे डरो मत, मैं बस 5 मिनट में आया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं रिवॉल्वर खाली छोड़ गया था, वरना तुमने तो आज। ओ आनंद, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं डर गई थी। अब तो डर नहीं लग रहा ना? नहीं, तुम मुझसे दूर ना होना आनंद, मुझसे कभी दूर ना होना। आज आज सब दूरियां मिटा दो, सब दूरियां मिटा दो। आई लव यू आनंद।
सजन तुम बुझा दो जाने की बात दुखीराम, पेट्रोल लाए? हाँ जी, डाल दो। बहुत अच्छा। ये कहाँ से आ गया? इसको मैंने फोन किया था। अच्छा। दुखी राम बोल रहा हूँ, बहुत दुखी खबर है। अब बोलो। मैं घाट कोपर के फाटक से बोल रहा हूँ। मैंने गाड़ी को बहुत तेजी से पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा है। और साहब, गाड़ी का नंबर है MMD443। ये तो अशोक गुप्ता की गाड़ी है, तो मेरे को मैं अभी आता हूँ। Thank you.
कमाल हो गया, यहाँ भी वही सिगार और वही पैरों के निशान मिले। सर, सर, वहाँ अशोक गुप्ता की लाश पड़ी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कैसे आना हुआ? अरे हाँ, सुना है अशोक गुप्ता बहुत तकलीफ में है आजकल। खैर ये छोड़ो, ये बताओ मिलने आए हो या लेने आए हो? फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पहले आप मेरी बात का जवाब देंगे इंस्पेक्टर साहब, कि आपके यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए कि जो कब्र तुमने किसी और के लिए खो दी थी, अब उसमें तुम्हारे दफन होने का वक्त आ गया है। रियली? अजीत रॉय, अपने गुनाहों को इस नकली हंसी में छुपाने की कोशिश मत करो। तुमने पुलिस के साथ बहुत आंख में चोली खेली है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सबूत ही क्या है? सबूत है वही जो तुम कत्ल की जगह पर छोड़ के आए हो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। तुमने कत्ल किया है अशोक गुप्ता का। गलत, वो कुत्ता अपनी मौत मर गया, मुझे उससे क्या। अजीत रॉय, तुम तो नर्वस हो गए, बुझे हुए सिगार से धुआं नहीं निकलता। गुड नाइट अंकल। आपको आनंद से तन्नी से बात करनी चाहिए, वो इंस्पेक्टर ही नहीं इस घर का होने वाला दामाद भी है। भाई गुप्ता भी है। हाँ, ऐश करो ऐश, अब तो इस मिल के हिस्सेदार सिर्फ तुम अकेले हो, और हम इसी दिन के इंतजार में थे ताकि तुमसे कुछ सौदे की बात कर सकें। सौदा? कैसा सौदा? सेठ धनराज, जिस तरह शतरंज के एक मोहरे को लेकर तुम इस दौलत की बाजी को जीतने के लिए निकले थे, उसी तरह इस दौलत की बाजी को जीतने के लिए मैंने शतरंज के दूसरे मोहरे यानी सेठ धर्मदास के दामाद विकास को अपने कब्जे में कर लिया था। ये झूठ है, विकास मर चुका है। जिस प्लेन से वो सफर कर रहा था वो प्लेन क्रैश हो चुका है। हाँ, वो प्लेन जरूर क्रैश हुआ, लेकिन विकास उस प्लेन पर नहीं था। क्या? उस दिन जब वो प्लेन पर सवार होने जा रहा था। Your attention, please. Yes, give me that seat, please. Sure, sir. Proceed to gate number 4. Thank you. बॉम्बे की फ्लाइट अनाउंस कर दो। सॉरी विकास बाबू, अजब हो गया। क्या हुआ? वो सेठ धर्मदास जी आपसे मिलने के लिए पुणे आ रहे थे, क्या रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम, कहाँ है वो? पुणे हॉस्पिटल में, आइए मेरे साथ। चलिए। अजीत रॉय, ये क्या बदतमीजी? शराफत से बैठ जाओ अंदर। अजीत रॉय, बैठो, चलो।
यहाँ क्यों लेके आए मुझे? ये सब क्या है? घबराइए नहीं दामाद साहब, फकत इन कागजात पर आपके ऑटोग्राफ चाहिए, दस्तखत। बेवकूफ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी मिल तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा? ना ना ना, ट्रांसफर नहीं, तुम मिल बेच दोगे और साथ ही रसीद भी लिखकर दोगे कि तुमने मुझे 25 लाख रुपए में मिल बेची है। कुत्ते, मैं दस्तखत हरगिज नहीं करूंगा। सोचने के लिए तुम्हारे पास अभी काफी उम्र पड़ी है, सोचते रहो। अब भी यकीन नहीं आ रहा सेठ धनराज? बहुत शक्य हो। लो ये देखो, सेठ धनराज, अब तुम्हारी जीती हुई बाजी मेरे हाथ में है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगा, इसलिए कि इस दौलत को कमाने के लिए तुमने बहुत खून किया है। नहीं, ये सब झूठ है, मैंने सिर्फ एक के खून किया था, वो भी सिर्फ धनदास का, बाकी तीनों खून तुमने। देखो सेठ, मैं बिजनेसमैन हूं, कातिल नहीं, सौदा करता हूं, सौदा। भाई अजीत, अगर ये सब खून तुमने भी नहीं किए तो फिर किसने किए हैं? मुझे ख्याल आता है सेठ, कहीं सेठ धरमदास सूट की दुनिया क्या? अबे आगे पर फिर क्या हुआ? अबे होगा क्या? काफी तलाश के बाद अशोक गुप्ता की लाश पुलिस को कब्र में मिली। भयानक, बहुत ही भयानक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। बाप रे, कमाल है, अजीब सी बात है, तीन खून हो गए, अभी तक पुलिस को कातिल का पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? अगर कोई इंसान खून करेगा तो पता चलेगा ना। मेरे ख्याल में तो ये काम किसी भूत प्रेत का है। भूत? तो कैसे? हर अमौसे की रात को एक मर गए, हो जाता है, मर गए, हो जाता है। ना मालूम आज हम में से किसकी बारी है। गधे, आज अमावस है। और मालूम है खून कौन करता है? भूत। नहीं, आपको वहम हो गया है, आपको हो गया है। सर जी, दादा डॉक्टर को बुलाऊं? बुलाऊं, 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 बुलाऊं डॉक्टर को। तुम जाओ, चलो चलो, ढीला चलो ना यार, चलो। अबे चल, इंस्पेक्टर आनंद। हेलो इंस्पेक्टर आनंद, मैं सिर्फ धनराज बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आज बाबा सी रहे थे, मैं जाने मुझे क्यों डर लग रहा है कि आज मुझे की बात आएगा। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी मदद कीजिए, मतलब मैं मारा जाऊंगा, मतलब मैं मारा जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप घबराइए मत, मैं आपकी हिफाजत के लिए अभी पुलिस भेजता हूँ। सावंत, सिर धनराज बहुत घबराया हुआ है, तुम कुछ कॉन्स्टेबल्स को लेकर उसके बंगले पर चले जाओ। यस सर। सब इंतजाम ठीक है? यस सर। लाइट्स ऑन करवाओ।
सर इसी तरह का एक स्विच धनराज सेठ को भी दे दिया गया है, अगर उन्हें किसी तरह का भी खतरा महसूस हुआ तो वो स्विच दबाएंगे और इसी तरह से रोशनी हो जाएगी। गुड। हरिओम पैसा बहुत बड़ी चीज है धनराज। हरिओम राम 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 राम। हरिओम पैसा बहुत बड़ी चीज है। शंकर बोला मालती, अरे किधर भागे सब? क्या हुआ क्या हुआ सिंह? क्या हुआ क्या हुआ? आए सर सिंह, दरवाजा दबाए ना, दरवाजा अरे क्या देखता है मैं, दरवाजा खोल खोल। तुम लोग चलो 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 मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए धनराज से, डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस ने आपके बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। अच्छा, बस अगर आपको थोड़ा सा भी खतरा लगे तो ये स्विच दबा दीजिएगा, पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी आंख नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं लगेगी सर साहब, बिल्कुल नहीं लगेगी। मैंने भोला को इसलिए हर पांच मिनट के बाद चाय लाने के लिए कहा है ताकि आंख लगे ही नहीं। इंस्पेक्टर आनंद, आईजी साहब को तुम्हारा प्लान बहुत पसंद आया और मैं भी तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूं। मुझे यकीन है आज की रात कातिल जरूर गिरफ्तार हो जाएगा। आनंद आनंद, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, आज की रात में जब भी आऊं मुझे इस घर का दरवाजा खुला मिलना चाहिए, क्योंकि आज की रात कातिल की आखिरी रात है। हरिओम राम 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 हरिओम राम 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 सत्य राम राम सत्य राम राम सत्य राम राम सत्य। अरे अरे क्या बक रहे? मैं आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूँ, आवाज में आवाज मिला रहा है। अबे ये पूरी पूरी ट्रे क्यों डाला? ये आपकी आखिरी चाय है। आखिरी चाय क्यों क्यों? मेरा मतलब है दूध खत्म हो गया है। ठीक है जाए यहाँ से। राम 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 शंकर बोला हम
पिंकू बंगले को चारों तरफ से घेर लो, कातिल यहीं कहीं है। रुक जाओ सर, यहाँ कोई नहीं है, ऊपर हमने सब देख लिया है। तुम लोग गली जाओ, भागो पीछे से। तुम लोग इधर से जाओ, जल्दी करो। गोली किसने चलाई? गोली मैंने चलाई क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कातिल को देखा और वो मेरी गोली से जरूर जख्मी हुआ है। इंस्पेक्टर लेट्स ऑफ करा दो। आनंद ये लोग कब तक यहाँ पर? सर सर हमने आपकी गाड़ी की डिक्की में से किसी को निकलते हुए देखा है। सॉरी आशा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। दीदी, ओ दीदी, योर ऑनर, विधवा के लिबास में ये भोला भाला चेहरा देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि औरत इतनी संग दिल होगी। योर ऑनर, ये वो बेरहम औरत है जिसने चार बेगुनाह इंसानों को इंतहाई बेदर्दी से मार डाला है। हर बार कत्ल करने के बाद लाश के पास कभी गंबूट के निशान, कभी सिगार के जले हुए टुकड़े सिर्फ इसलिए पाए गए हैं ताकि पुलिस सही कातिल को तलाश करने में नाकाम रहे। मुल्जिमा, क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करती हो? जी हाँ योर ऑनर, मैं अपने जुर्म का इकरार करती हूँ। लेकिन योर ऑनर, खून चार नहीं, पांच हुए हैं। पांच? पांचवा खून किसका? मेरे पेपर्स मजबूर बाप धर्मदास का। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ योर ऑनर, मेरा बेबस लाचार बाप कत्ल कर दिया गया, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। और आप जानते हैं कातिल कौन है? वही चार दरिंदे जिन्हें आपका कानून बेगुनाह कहता है।
मेरे लाचार बाप ने उनका क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था। वो उनके सामने रहम की भीख मांगते रहे, अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन उन पत्थर दिलों के उन पर कोई रहम नहीं आया। उनको मार डाला, उनको मार डाला, उनको मार डाला, मार डाला। ये कत्ल कब हुआ? आज से 3 साल पहले जब मेरे डैडी नैनीताल जा रहे थे, मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन गई थी। अचानक डैडी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है वो मंजरात जब मैं डैडी के साथ सफर कर रही थी, वो सफर जिसने मेरे डैडी को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। डैडी फिर सिगार? नहीं भाई, अब नहीं पीऊंगा। तुम जाओगे अपने कपड़े बदलो, जाओ। मैं चेंज करने बाथरूम में गई और फिर अचानक मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैं हैरान हो गई, डैडी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे की आड़ से मैंने देखा, धर्मदास मैं अपने बेबस बाप की दर्दनाक मौत बर्दाश्त न कर सकी। ऑनर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। ऑनर जब मैं उन चारों खूनियों को मिल का मालिक बनकर ऐश और आराम की जिंदगी बिताते हुए देखती, तो मेरी आंखों में मेरे बाप की मौत का खून उतर आता। मैंने मौत का चेहरा पहनकर जब उन्हें वो आईना दिखाया, तो अपनी शक्ल देखकर वो डर गए, पागल हो उठे। मैंने कोई खून नहीं किया। योर ऑनर, आंसुओं के सैलाब में इंसाफ और कानून की दीवारें नहीं बह सकती। आपके पिताजी के कत्ल का कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो उन्होंने सब मिटा दिए थे, सिर्फ मैं ही एक जिंदा सबूत थी। और दूसरा सबूत था वो खंजर, जिसे लेने के लिए उस रात अशोक गुप्ता जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने उसके रिवॉल्वर से गोलियां बदलकर नकली गोलियां भर डाली और फिर उसकी कार की डिक्की में बैठ गई। अशोक गुप्ता रिवॉल्वर को तो अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन गोलियां नकली थी। इंस्पेक्टर आनंद को अजीत रॉय पर शक था, इसलिए जब भी किसी की मौत होती, इंस्पेक्टर आनंद अजीत रॉय से मिलने धर्मदास बंगलो जाते, और इस तरह मैं उनकी कार की डिक्की में बैठकर अपने घर पहुंच जाया करती थी। योर ऑनर, ये तमाम बातें इस बात का सबूत हैं कि मिसेस आशा विकास ने कोई खून नहीं किया, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक सक्सेना, रीटा और गुप्ता की मौत एक हादसे से हुई है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट आशा विकास ने उन पर कोई कातिलाना हमला नहीं किया। लेकिन धनराज की मौत तो पिस्तौल की गोली से हुई है, क्यों मिसेस आशा विकास? तो क्या धनराज इतना डर गया था कि उसने तुम्हारे हाथ से पिस्तौल छीन कर अपने आप को गोली मार ली? ये झूठ है, मैंने गोली नहीं चलाई। तो फिर ये लॉकेट धनराज के ड्राइंग रूम में कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर सावन की गोली से आप जख्मी कैसे हुई? आप क्या करने गई थी? एक ही मतलब था, वो था धनराज को कत्ल करना, और वो तुमने कर दिया। नहीं, मैंने खून नहीं किया, नहीं किया, मैंने गोली नहीं चलाई, धनराज को नहीं मारा, मैंने धनराज को नहीं मारा। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है, फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात।
करे संग जिए संग मरे फर्ज निभाया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम भी यही समझते हो कि धनराज पर गोली मैंने चलाई थी। आनंद, मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, मैंने धनराज पर गोली नहीं चलाई। आनंद, मैं सच कहती हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। अगर ये सच है तो धनराज का कातिल पुलिस के हाथों से नहीं बच सकेगा। आनंद, मैंने कहा ना तुम खाम खा उनके पर शक कर रहे हो। काजल, मेरा ख्याल है कि विकास जिंदा है। क्या? जी जिंदा है? मगर कहाँ है वो? अजीत रॉय की कैद में। और? सुनो, तुम एक काम करो। काजल, काजल, अंकल, 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 आपने सुना? जीजा जी जिंदा है। क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, आपको खुशी नहीं हुई अंकल? बहुत खुशी हुई। और अंकल, आज पुलिस भी आई थी। पुलिस? हाँ, आपके कमरे की तलाशी ले रही थी। तलाशी? काजल, तुम्हें कैसे पता चला कि विकास जिंदा है? आनंद का फोन आया था अंकल, तो उसी ने बताया। चलिए ना अंकल, चलिए दीदी को बताएं। खैर, दीदी को मैं बता दूंगा, तुम यहीं ठहरो, वो शायद फिर कोई फोन आ जाए। Thank you.
हरामजादे, विकास यहाँ से बाहर कैसे निकला? क्या कह रहे हो बॉस? वो तो यही है। यही है? हाँ। कहाँ है? अंदर अंदर है। चल जाओ। जरूर पुलिस की कुचाल है। कंगो। यस बॉस। विकास को यहाँ चले जाकर मेरे पुराने बंगले बंद कर दो। जल्दी करो। चलो। चलो। सुना है अजीत राय बड़ी तकलीफ में है। इसमें सिर्फ एक गोली बाकी, उनसे खाने में है मैं जानता नहीं। और इससे पहले कि वो तुम्हारे सिर से पार हो जाए, बताओ धनराज पे गोली किसने चलाई थी? बता धनराज पे गोली किसने चलाई थी? मैं बताता हूँ। गोली गोली मैंने मैंने चलाई थी। प्रॉब्लम आ गया, सुनो तो सही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट आनंद, इधर इधर आनंद, मेरी लाइफ अब प्रॉब्लम बन गई। क्यों भाई? मैं अपनी साली काजल से मस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों बहनें हैं। अगर ये मेरी साली हुई
तो ये तुम्हारी भी साली हुई और फिर तुम भी ठीक है ना।